हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स साइंस चैप्टर नंबर 14 वाटर। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट हमारी जो क्लास थी हमने पढ़ा था वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। ठीक है, हम पानी जो है हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। लास्ट हमारा वीडियो था वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। ठीक है, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से हम वाटर को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं फिगर 14.3। फिगर 14.3 में दिखा रखा है ओशंस कवर अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। क्या आप जानते हो कि जो हमारी अर्थ है वो पानी कितने हिस्से पानी से घिरी हुई है। 2/3। 2/3 का मतलब है अगर अर्थ के 3 पार्ट्स होते हैं तो जो 2 पार्ट्स है ना वो पानी से घिरे हुए हैं और 1 पार्ट्स बचा हुआ है। ठीक है, 2 पार्ट्स जो है वो पानी से घिरे हुए हैं। ठीक है, 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशंस। जो मोस्टली जो वाटर है यहाँ पे, जो दो हिस्सों में जो पानी है वो कैसा है, वाटर इज इन ओशंस एंड सीज। ठीक है, ओशंस और सीज से क्या है वो कवर्ड है। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ जो वाटर है वो किसका है, ओशंस का और सीज का है। और वो पानी क्या है, साल्टी पानी है। ठीक है, वो हमारे पीने लायक पानी नहीं है। The water in the oceans and seas has many salts dissolved in it। जो पानी वहाँ पे है oceans और seas में, ठीक है, वो उस पानी में ज्यादातर क्या dissolved है, salt dissolved है। ठीक है, तो the water is saline। इसी वजह से जो वो पानी है वहाँ का कैसा है, खारा पानी। कभी समुद्र का पानी टेस्ट किया है, वो कैसा नजर आता है, saline नजर आता है। So it is not fit for drinking and other domestic, agricultural and industrial needs। ठीक है, इसीलिए वो पीने के लिए फिट नहीं है। डोमेस्टिक जो हम घरेलू जो घरों में पानी का यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, ठीक है, वो यूज़ नहीं है। एग्रीकल्चरल खेतों में पानी देने के लिए यूज़ नहीं है वो, और इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए भी वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम। आपने कभी सुनी होगी, ठीक है, ये फेमस लाइन है कुछ पोएम की, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनियर रिटन बाय ST कोलरिज ने लिखी थी इन 1798 में लिखी थी। ठीक है, कौन सी लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी हर एक जगह पर है, नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। मतलब हर एक जगह पानी है, पीने के लिए एक भी बूंद नहीं है। तो ये वही बात है, क्योंकि वो पानी कैसा है, साल्ट डिजोल्ड है उस पानी के अंदर। वो वाटर कैसा है, सेलाइन वाटर है। ठीक है, खारा पानी है, नमकीन पानी है। तो हियर द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द प्लाइट ऑफ सेलर्स ऑन अ शिप लॉस्ट इन द oceans, yet oceans play an important role in supplying the water that we use. Oceans play an important role in supplying the water that we use. Do you find this surprising? कैसे वो supply करते हैं? After all, the water that we use in is not salty. After all, the water जो हम water use करते हैं, ठीक है, वो salty नहीं होता. Many of us live in places far away from the oceans. हम कुछ दूर रहते हैं ओशन से। मैनी ऑफ कुछ ऐसे मतलब प्लेसेस है जो हम ओशन से काफ़ी दूर रहते हैं। डज द वाटर सप्लाई इन दिस प्लेसेस, क्या वहाँ पे भी पानी सप्लाई होता है क्या? आल्सो डिपेंड ऑन द ओशन, क्या वो वहाँ के लोग बाग भी क्या पानी पे ही डिपेंड रहते हैं वो ओशन के? डज द वाटर सप्लाई इन दिस प्लेसेस आल्सो डिपेंड ऑन द ओशन, हाउ डज द ओशन वाटर रिस्पॉन्ड्स, कैसे जो ओशन का जो वाटर है वो कैसे कुओं तक पहुंचता है, लेक्स तक पहुंचता है, रिवर्स एंड वेल्स तक पहुंचता है? विच सप्लायर्स वाटर, कौन सप्लाई करता है उस वाटर को, जो ओशंस का जो वाटर है यहाँ तक कौन सप्लाई करता है? हाउ सम द वाटर फ्रॉम दिस सोर्सेज इज नॉट सेलाइन एनी मोर, हाउ कम द वाटर फ्रॉम दिस सोर्सेज, कैसे आता है वहाँ से, ठीक है, इज नॉट सेलाइन एनी मोर। तो दैट इज वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन। तो वाटर साइकिल की हेल्प से आता है वो। अब वाटर साइकिल को पढ़ते हैं हम। टॉपिक 14.3 है वाटर साइकिल। तो डिसअपीयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, कैसे हमारा जो वाटर है वो डिसअपीयर हो जाता है, कैसे वो गायब हो जाता है। जैसे आज बारिश हुई है तो कुछ 2-3 घंटों के बाद हम देखेंगे वो पानी वहां से क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया, वहां से वो गायब हो गया। ठीक, ऐसी कौन सी ट्रिक है कि वाटर जो है वहां से डिसअपीयरिंग हो जाता है, ठीक है, डिसअपीयर हो जाता है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम, कितनी बार आपने देखा है, हाउ मेनी टाइम्स यू, कितनी बार आपने नोटिस किया है जो वाटर है स्पिल्ड हो रखा है फ्लोर पे वो कैसे ड्राई अप हो जाता है कुछ समय के बाद, वाटर सीम्स टू डिसअपीयर। सिमिलरली वाटर डिसअपीयर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, गीले जो कपड़े होते हैं वहाँ, वो गीले कपड़ों का पानी वो कहाँ जाता है, एज ए ड्राई अप, सूख जाते हैं वो पानी कहाँ जाता है,
किसकी हेल्प से वो पानी गायब होता है, वहां से फिगर 14.4 में दिखा रखे वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, जो रोड साइड जो वाटर इकट्ठा हो जाता है वो, और रूफ टॉप्स पे एंड अ फ्यू अदर प्लेसेस आल्सो डिसअपीयर्स आफ्टर द रेन्स। ठीक है, कुछ समय बारिश होने के बाद वहां से पानी कैसे गायब हो जाता है, वेयर डज दिस वाटर गो, कहां जाता है ये पानी। ठीक है, तो डू यू रिमेम्बर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5, क्या आपने एक्टिविटी 6 को याद किया है? चैप्टर 5 के अंदर हमने पढ़ी थी, इन विच वाटर विद साल्ट डिसॉल्व्ड इन इट वॉज हीटेड, जिस वाटर के अंदर साल्ट डिसॉल्व होता, मतलब जो साल्टी वाटर होता है, जो वाटर साल्टी होता है तो उसको हीट करने से वो कैसे जो वाटर इवेपोरेट हो जाता है। इन विच वाटर विद साल्ट डिसॉल्व्ड इन इट वाज हीटेड, व्हाट डिड वी फाइंड, हमें क्या मिला था? द वाटर इवेपोरेटेड एंड द साल्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड, जो नमकीन पानी था उसको जब हमने गर्म किया तो हीट की हेल्प से वो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया था और साल्ट उसका बच गया था। This activity gives us an idea that on heating, ये activity हमें क्या आइडिया देती है, जब हम गर्म करते हैं तो water क्या करता है, water change into its vapor, उसके vapor में water vapor में convert हो जाता है। और we also realize from this activity, और हमें क्या realize हुआ इस activity से, that water vapor does not carry away the salt with it, और salt को water vapor अपने साथ नहीं लेके जाती है। That water vapor does not carry away the salt with it, or water vapor so formed become a part of the air and cannot usually be seen. Water vapor जो है so formed become a part of the air, और air का part बन जाता है वो, and cannot usually be seen, और हमें हवा में मिलने के बाद वो हमें दिखता नहीं है water vapor. We also found that heating is essential to convert water into its vapor. ठीक है, हमें ये भी पता चला है कि हीट करने से ही, हीटिंग एक ऐसा एसेंशियल प्रोसेस है जो हम वाटर को हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, उसके वेपर में। ठीक है, विदाउट हीट के वो नहीं होगा। हाउएवर वी हैव सीन दैट वाटर चेंज इनटू इट्स वेपर, अब देखते हैं कैसे हम देखते हैं कैसे जो वाटर है कैसे चेंज होता है उसके वेपर में। आल्सो फ्रॉम द फील्ड्स, खेतों से कैसे चेंज होता है, ठीक है, और रोड से कैसे चेंज होता है वाटर वेपर में, रूफ टॉप से कैसे होगा, एंड अदर लैंड एरियाज, ठीक है, और दूसरे जो लैंड एरियाज है वहां पे, वहां से वाटर वेपर कैसे चेंज होगा वाटर वेपर में। तो वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 दैट टू ऑब्टेन साल्ट, साल्ट प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया था, चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था ना सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में, दैट टू ऑब्टेन साल्ट वाटर फ्रॉम द सी इज लेफ्ट इन शैलो पिट्स, कुछ गड्ढे बना दिए थे हमने और वहां से हमने सॉल्ट को ऑब्टेन किया था। टू लेट द वाटर इवेपोरेट, और फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट, और वहां से हमने वाटर को कैसे हीट दी, इट नीड्स टू इवेपोरेट, इवेपोरेट करने के लिए लेट अस फाइंड आउट, सन की हेल्प से वो वाटर क्या हुआ था, इवेपोरेट हुआ था, फिर हमें हीट वो जो साल्ट था वो हमें मिल गया था। तो एक्टिविटी 2 की हेल्प से देखते हैं, टेक 2 सिमिलर प्लेट्स, हमने 2 सिमिलर प्लेट्स लेनी है, प्लेस वन ऑफ द प्लेट्स इन सनलाइट, एक को सनलाइट में रखना है दूसरे को छाया में रखना है, नाउ पावर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, और दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर फिल करना है। ठीक है, और यू कैन यूज अ कैप और बोटल, जो बोटल का जो कैप आता है हम उसका भी यूज कर सकते हैं मेजर करने के लिए वाटर को, मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर, लेकिन ध्यान रहे पानी हल्का सा भी गिरे नहीं। तो ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट, 15 मिनट के बाद देखना, हमने जो 2 प्लेट ली थी उनमें पानी रखा था, एक को धूप में रखा एक को छाया में रखा, तो 15 मिनट के बाद हमें ऑब्जर्व करना कि क्या होता है उनके साथ, डज द वाटर सीम टू डिसअपीयर, क्या वाटर वहां से डिसअपीयर होता है, फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपीयर फर्स्ट, किस प्लेट से सबसे पहले डिसअपीयर होगा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवेपोरेशन, और क्या सोर्स है इवेपोरेशन का, यहाँ पे भी लिखेंगे हम सन तो सोर्स है इवेपोरेशन का, और वो उस प्लेट का सबसे ज्यादा डिसअपीयर होगा जिसमें जो सनलाइट की प्रेजेंस में रखी होगी। ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के टाइम पे सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशंस, ओशंस पे गिरता है जो सनलाइट की जो किरणें वो गिरती हैं, रिवर्स पे गिरती है, लेक्स पे एंड पॉन्ड्स पे गिरती है, द फील्ड्स एंड अदर लैंड एरियाज आल्सो रिसीव सनलाइट। ठीक है, जो जितने भी फील्ड्स हैं और लैंड एरियाज हैं वो भी रिसीव करते हैं सनलाइट को, एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूअसली चेंजेस इनटू वेपर, वो किसमें कन्वर्ट होता रहता है, वो वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। However, the salts dissolved in the water are left behind. इस तरह से उन्होंने जो पेट सेलो पिट्स उन्होंने बनाए थे वो साल्ट को ऑब्टेन करने के लिए, तो सनलाइट की हेल्प से उन्होंने साल्ट को ऑब्टेन किया था। In activity 2, did you find the water? That water also disappeared from the plate kept in the set. Did you find that water also disappeared? क्या आपने देखा कि वहां से भी वाटर डिसअपियर हुआ है जो छाया में रखी थी।
ठीक है, आप देख सकते हो ये सनलाइट आ रही है और वाटर इवेपरेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन छाया वाले एरिया में नहीं हो रहा है वो, ठीक है। तो इवेपरेशन ऑफ वाटर इन सनलाइट एंड इन शेड द शेड, तो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम, उसको ज्यादा समय लगेगा, जो छाया में जो प्लेट रखी थी उसको इवेपरेट होने में ज्यादा समय लगेगा। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट ई रीच हेयर, जो मतलब वहां तक जब भी सनलाइट पहुंचेगी, जो भी सन की जो किरणें हैं जो गिरेंगी वहां पे, ठीक है, सन रेज है वो फाल होंगी, तभी तो वो इवेपरेट होगा ना। तो यस ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड, इसीलिए हमें दिन के समय में जितनी भी वो एयर चलती है वो हमें क्या लगती है, ठंडी लगती है। द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड, हमें वो क्या करती है, गर्म करती है, और दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट, और यही गर्म हवा हीट प्रोवाइड करती है फॉर इवेपरेशन के लिए, वाटर के इवेपरेशन के लिए इन द शेड, ठीक है। तो दस इवेपरेशन टेक प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सर्फेसिज ऑफ वाटर, इसीलिए हम कह सकते हैं जितने भी ओपन सर्फेसिज ऑफ वाटर के वहां पे इवेपरेशन किससे होता है, सन की हेल्प से होता है, फ्रॉम द ऑल ओपन सर्फेसिज ऑफ वाटर, एज अ रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडेड टू एयर, और एयर में वो कन्वर्ट होती रहती है, हाउएवर एयर में ऐड होती रहती है, हाउएवर इवेपरेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस, लेकिन ये क्या बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जो वाटर का इवेपरेशन होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस है, दैट इज वाई वी रेयरली नोटिस इट्स, इसलिए हम इसको ध्यान से हम नहीं देख सकते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। इट्स लॉस फ्रॉम अ बकेट फुल ऑफ वाटर और इन सनलाइट, अगर आप सनलाइट में एक पानी की भरी हुई बाल्टी रखते हैं तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी कि वो इवेपरेट हो गई। इवेपरेशन टेक प्लेस फास्टर ऑन हीटिंग, जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं, वाटर को हमने गर्म किया है, वाटर को हमने गैस पे गर्म किया है, तो बहुत जल्दी वो क्या होगा, इवेपरेट होगा, भाप बन के पानी बहुत जल्दी उड़ेगा, ठीक है, ऑन अ बर्नर, और इट्स इवेपरेशन टेक प्लेस इवन फास्टर, और इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपरेट्स गेट ट्रांसफर्ड इन टू एयर, क्या और कोई दूसरा तरीका है जो जो वाटर है ट्रांसफर्ड हो रहा है, ठीक है, एयर के अंदर। आगे है लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे वाटर का लॉस होता है, ठीक है, अब तक हमने पढ़ा था कि डिसअपीयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, आप पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर कैसे वाटर का लॉस होता है, तो यू हैव लर्नड इन चैप्टर 7 में पढ़ा होगा दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, प्लांट्स को पानी की बहुत जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, ठीक है, और रूट्स क्या करती हैं, प्लांट्स में जो रूट्स होती है वाटर को सप्लाई करती है, ठीक है। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड, और प्लांट्स जो है पानी का यूज करके क्या करता है, अपना फूड को प्रिपेयर करता है, एंड एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स, और डिफरेंट पार्ट्स तक क्या करता है, पहुंचाता है। रिमेम्बरिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज्ड बाय द प्लांट इन टू एयर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन की हेल्प से वो क्या करता है, वाटर का रिमूव करता है, ठीक है, एयर के अंदर। तो डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7 में देखा था ट्रांसपिरेशन, हमने क्या कहा था, एक प्लांट पे पोलोथिन हमने टाई कर दी थी, फिर हमने देखा था जो वाटर वेपर पोलोथिन की चारों तरफ आ गए थे, तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स के अंदर, वाटर वेपर एंटर्स द एयर, वाटर वेपर एयर के अंदर एंटर होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, इवेपरेशन की हेल्प से वाटर वेपर एयर के अंदर क्या होते हैं, एंटर होते हैं, एंड ट्रांसपिरेशन की हेल्प से होते हैं। तो इज इट लॉस्ट फॉर एवर, नो वी गेट इट बैक अगेन एज वेल एज वी विल सी, ठीक है, हम दोबारा नो वी गेट इट बैक, हम दोबारा उसको हम प्राप्त कर सकते हैं एज वी विल सी, जब हम चाहें उसको देखना, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने पढ़ना, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हाउ आर क्लाउड्स, बादल कैसे बनते हैं, ओके।